अजमेर शरीफ तारागढ़ दरबार हुजूर सरकार मीरा सैयद हुसैन में हजारों जायरीन ने पहुँच कर की जुम्मे की नमाज अदा। बाद नमाज जुम्मा हजारों जायरीन के लिए किया गया लंगर। तारागढ़ दरगाह हजरत मीरा सैयद हुसैन में जश्न ईद गदीर के पाक मुकद्दस मौके पर हजारों जायरीन ने पहुंचकर की जुम्मे की नमाज अदा। बाद जुम्मा एक दूसरे के गले मिलकर जायरीन ने दी मुबारकबाद। खुद्दाम हजरत अंजुमन 18वीं शरीफ की जानिब से किया गया आने वाले सभी जायरीन में लंगर तकसीम। दरगाह में मौजूद सभी खुद्दाम हजरात ने आने वाले तमाम जायरीन की कामयाबी, कामरानी, खुशहाली की मांगी दुआ। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नईम अब्बास शाह और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं तारागढ़ दरबार हुजूर सरकार मौला मीरा सैयद हुसैन की बारगाह में मौजूद हूँ और आज 18 ज़िलहिज्जा है, यानी कि ईद गदीर का पाक दिन है और आज के दिन जो है दरबार हुजूर सरकार मौला मीरा सैयद हुसैन में हज़ारों जायरीन ने पहुंचकर जुम्मे की नमाज़ अदा करी और बारगाह शहजादे हुजूर मीरा में अपना मंजूर नजराना अकीदत पेश किया है। तो आज ईद गदीर के रोज़, 18 ज़िलहिज्जा के रोज़, पाक मुकद्दस के दिन कुछ अकीदतमंद, कुछ जायरीन मेरे दरमियान मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम बताइए। सोहेल खान। कहाँ से तशरीफ लाए? हम दिल्ली महाराष्ट्र। जी यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी यहाँ पर आए। जी फैमिली के साथ आए? हम फ्रेंड लोग आए थे। जी यहाँ पर कैसा लगा आपको बताएं इसके बारे में? और आपको कैसा लगा भाई? जी क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर भाई। और आपका? फौजान।